शहर के विजयनगर चौहान कॉलोनी में मुरलीधर भगवान माल्यान पंचायत भवन में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। गणेश पूजन, मार्तिका पूजन, नवग्रह पूजन तथा कलश स्थापना सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुई। कथा के दौरान नाम स्नेही संप्रदाय के संत गोपाल राम महाराज ने श्रोताओं को कथा रसपान करवाया। रामधाम महिला मंडल व समस्त भक्तजनों की ओर से शिव पुराण पोथी का पूजन अर्चन करने के बाद व्यासपीठ पर विराजित संत गोपाल राम महाराज ने शिव महापुराण कथा की महिमा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान का भंडार बढ़ता है। संत ने कहा कि जिसके साथ शिव है, शक्ति भी उसी के पास होती है। महाकाल का पूजन और ध्यान अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला होता है। उन्होंने शिव पूजन किए जाने की वजह, विधि और पूजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल, बेलपत्र, धतूरा आदि के बारे में जानकारी दी। महाराज ने बताया कि लक्ष्मी और दरिद्रता दो बहनें हैं, दोनों में समझौता है। जहाँ तुलसी, पीपल और शिव की पूजा होती है, पवित्रता और कथा सत्संग होता है, वहाँ दरिद्रता भटकती भी नहीं है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। और जहाँ अपवित्रता होती है, भगवान की पूजा नहीं होती है, अधर्म होता है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। जहाँ सुमति होती है, वहाँ संपत्ति और शुभ होता है, और जहाँ कुमति होती है, वहाँ दुख और नाश होता है। कथा शुभारंभ से पूर्व सूरजपुल गेट बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रसन्न गणपति मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा विजयनगर रोड होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।